चलो ऐसा क्वेश्चन काफी बार किए हैं, करोगे? चलो कर लो। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का टाइम है। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो टी की पावर क्यू माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर है। तो जो पोजीशन है वो टाइम का डिपेंडेंट है, पोजीशन टाइम डिपेंडेंट करता है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन पता करो, तो वेलोसिटी बी इज इक्वल टू, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, थ्री टी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टी और प्लस थ्री, इतना तो आता होगा डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्सेलरेशन निकालो यहाँ से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सिक्स टी और प्लस ट्वेल्व, ये आ गया एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए? हमें एक्सेलरेशन ही चाहिए, वेलोसिटी चाहिए व्हेन एक्सेलरेशन जीरो होगा। हमें वेलोसिटी चाहिए जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये देख लो कि एक्सेलरेशन जीरो कब हुआ। तो एक्सेलरेशन जीरो जब हुआ वो एक बी आई पी टाइम था, ठीक है, वो टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। ये वो स्पेशल टाइम है जब एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा। अब उस स्पेशल टाइम पे वेलोसिटी क्या जीरो होगी? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है भाई। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होना ज़रूरी भी नहीं है ना फिजिक्स में। तो ये टू की वैल्यू डाल दो, तो टू की वैल्यू डाल दोगे तो कैलकुलेट कर लो, टू कितना आ जाएगा, फोर और फोर और ये ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व माइनस माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर प्लस थ्री, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15 माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो 15 माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू 15 माइनस 24 इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है, आया है 15 माइनस 9 आ जाएगा ना, 9। एक्चुअली क्या ना कि बोर्ड पे दिखता नहीं है कभी कभी, तो ये 9 आ जाएगा ना, 9, तो ये 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड। माइनस आ रहा है, माइनस मतलब ये है कि वो उसकी डायरेक्शन निगेटिव होगी, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड।